Hey guys, मेरा नाम है चिकी और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सेइंग गेमर्स। तो गाइस, आज हम करने वाले मिशन नंबर 20 विद माइकल दादा। तो गाइस, इसके पहले वाले मिशन में हमारी जो है दाढ़ी नहीं थी, वो दाढ़ी आ गई है, हमने उगवाई है। अब कैसे उगवाई यार, मत पूछो, बाद में पूछना। तो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, रोज की तरह की कौन सी गाड़ी, तो फटाफट जाओ नीचे कमेंट करो और बताओ। और मेरा रिव्यू जो मतलब जो मेरा साल है वो रिव्यू में आया है, मुझे यूट्यूब से मिला है, बहुत जल्द बताऊंगा मैं। वेल, हम हमारी गाड़ी के पास जाते हैं। तो गाइस, देख सकते हो आप मेरी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, देखो, ऑल न्यू रोल्स रॉयस गोज 2021 मॉडल, हमारे पास GTA 5 में गोल्ड कलर में दुबई से आई हुई है। अब दुबई से कैसे आई ये आपको पता है, तो गाइस जिन्हें नहीं पता और जिसे पता है वो कमेंट कर दो, और जिसे नहीं पता वो आई के बटन पे चले जाओ और आपको पता चल जाएगा। तो गाइस, ये मेरा नाम माइकल, और यहाँ पे सेंसर्स वगैरह रखे हुए हैं, और यहाँ पे एक्सेसी की, स्टैचू ऑफ एक्सेसी की बढ़िया सी ब्रांडिंग और रोल्स रॉयस की ब्रांडिंग देख लो, और यहाँ पे भी फ्रेंड में मेरा नाम। बैठते हैं अंदर, ये तो नॉन ड्राइवर सीट है, अब बैठ चुका हूँ मैं ड्राइवर वाली सीट पे। तो ये देखो गाइस के इंडिकेटर चल रहे हैं। वेल, तो ये कुछ ऐसी दिखती गाड़ी, पीछे की सीट्स देख लो आप, ये ऊपर भी बिल्कुल एक सितारों से भरा हमारा ऊपर का, मतलब क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, कमेंट कर दो जिसे भी पता है। पीछे के हमारे मिरर्स, यहाँ भी आए भी आर एम, तो सब चीज़ें तो ठीक है। और सामने ओडोमीटर स्पीडोमीटर दोनों साथ में दिया हुआ है। वेल, यहाँ पे लॉक अनलॉक के लिए, और बीच में एक स्क्रीन दी हुई है मोड्स के, गाड़ी के जो मोड्स है अलग अलग, और स्टेयरिंग पे काफ़ी कुछ सामान दिया हुआ है। तो वेल, हम कार के स्पेसिफिकेशन तो बाद में देंगे, तो पहले सबसे पहले जाना है हमें पेट्रोल भरवाने, देन फिर हमें जाना है बी पर, ये रहा बी, नहीं मेरे ख्याल से हमें जाना है एम पे, यस। तो गाइस, हमें जाना है एम पर, और पहले पेट्रोल भरवा लेते हम, ये टेनिस कोर्ट के पास में है। तो गाइस, चलते हैं हमारी ऑल न्यू गोस्ट रोल्स रॉयस गोस्ट 2021 मॉडल। गाइस देखो इसके क्या ही शानदार व्हील्स है ना, मुझे भी इसके व्हील्स बहुत अच्छे लगते हैं, व्हील्स और इसके रिम्स दोनों ही बहुत ही खतरनाक है। और गाइस, हमारी गाड़ी जैसे ही हम इसे धूप में लाए वैसे ही हमारी गाड़ी चमचमाने लग गई, वो भी गोल्ड कलर से। और गाइस, ये कोई व्रैप वगैरह नहीं है, ये पूरी गाड़ी जो है गोल्ड प्लेटेड है, ठीक है। तो मतलब एक बार अगर ठुक गई तो बहुत ज़्यादा ही खर्चा आ जाएगा, तो इसलिए मैं ठुकने की सोचूंगा ही नहीं, ठुक भी गई तो हमारे पास खूब पैसा है, जैसे आप लोग लाइक नहीं करते हो। गाइस, जो जो अभी तक वीडियो देख ली है, जिसने भी मेरा चैनल देखा हुआ है, तो वो लोग लाइक करें, और जो नए हैं इस चैनल पे वो फटाफट जाके सब्सक्राइब करो यार, जल्दी से हमारे चैनल को पूरे 100 सब्सक्राइबर करवा दो, उसके बाद हम रखेंगे गिव अवे। तो गाइस, लोग जो है देख के हैरान हो गए कि गाइस यहाँ पे कैसे आ चुकी है यार ये गाड़ी, रोल्स रॉयस अभी तक हमारे यहाँ पे लॉन्च नहीं हुई इंडिया में, और GTA 5 में आ गई है, मतलब बहुत तहलका वाली बात है। तो गाइस, आप वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, तो ऐसे तहलके हम करते रहेंगे। गाइस, चलते हैं, हम हमारे राइट का इंडिकेटर दे दिया है हमने, करते हैं इसे ओवरटेक। You got lucky, buddy. तो गाइस, अब चलना है हमें एम पर, माइकल के घर पे। घर वालों को शायद नई वाली गाड़ी की खुशखबरी सुनाएगा माइकल। गाइस, मैं तो करीबन एक घंटे से ड्राइव कर रहा था, फिर मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी। मुझे इतनी प्यारी लग रही है ना ये गाड़ी, ऑनेस्टली इतनी अच्छी चल रही है ना। और ट्रेवर भी ये वाली गाड़ी लेके आया था, यही सेम मॉडल नहीं था, पर वो कंपनी रोल्स रॉयस ही थी, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा वीडियो, फटाफट ऐप पे जाओ यार और देखो। तो उसी के कॉम्पिटिशन के चलते चलते हमारे जो है माइकल भाई ने भी गाड़ी ले, ओ शिट, गाइस डेंट आ चुका है, खैर दिखेगा तो है नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत गोल्ड गिर भी जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, खूब पैसा है आपके भाई के पास। तो गाइस, चलते हैं हम फटाफट से हमारे मेंशन के अंदर। तो गाइस, ये खड़ी हमारी ऑडी,
So as Michael bhai abhi dekh rahe hain ek Hollywood picture. What is wrong with you smoking in my house? You know, ever since that psychotic pal of yours turned up, you turned into an even bigger asshole. Thank you. Your support in my difficult times means the world to me. I've supported you. I left everything to come here with you, and still that crazy bastard turns up. I'll handle it. How? I don't know. Oh, you know what? Just keep him away from me and the children, you low-life, whoremongering asswipe. Did someone say yoga? No, I think she said whoremongering asswipe. Hello, Fabian, darling. Namaste, Amanda. Are we ready to practice? Yes. Oh, yes. Yeah, she's very center. A regular oasis of peace and tranquility, this one. With anger issues and worse friends. No wonder I'm so upset. You too, please. Namaste. Namaste. We practice. Miguel, join us, please. No, please, no. No, no. The yoga is for sharing. Come, Miguel, come. Awesome. So guys, आज हमें करनी पड़ रही है yoga complete. अब जाना है हमें Jimmy के कमरे में. He's still here. Guys, Amanda की हर जगह photos हैं. कभी-कभी Michael दादा का एकदम ऐसा दिमाग नहीं खराब होता होगा क्या यार Amanda हर जगह है. Oh yeah. Fuck you. Okay. You know what? If they're Jimmy. Nice TV. I'm talking in your ear. Did I pay for that? Yeah, you smashed the other one, didn't you? All right, come on. I want to go for a ride. I gotta meet a friend. All right, so I'll go meet him with you. Come on, I want to get out of the house. I'm not going alone. Come on. This is fucking bullshit. Bullshit? तो गाइस अब जाना है हमें हमारी गाड़ी के अंदर पहले जाना पड़ेगा जिमी से क्योंकि जिमी जो है एक अमीर बाप की औलाद है तो गाइस वो तो जाएगा नहीं तो गाइस ये कार में बैठते हैं हम फटाफट से जरूरी है हमें इसी गाड़ी में जाना सो वेयर इज योर फ्रेंड बर्गर शॉप ओके गाइस हमें हमारी ऑडी में जाना जरूरी है रोल्स रॉयस से कम हो घूम चुके गाइस कितनी मुझे ऐसा लग रहा है दो मिनट गाइस मुझे एक बार मुझे बस गाड़ी अंदर खड़ी कर दें तो मुझे भरोसा नहीं है एक तो है ना कुछ लोग क्या करते हैं स्टैचू ऑफ एक्सेसी ना ये निकाल के ले जाते हैं तो मुझे उन पर इतनी चढ़ आती है ना मतलब एक अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि मैं उनको बस ख़त्म कर दूँ यार मतलब लोग मानते ही नहीं ये किसने खड़ी करी हुई है ट्रेसी होगी ये बंदा ये पक्का ट्रेसी की है ना ट्रेसी की गाड़ी है ना ट्रेसी की गाड़ियों का ना मुझे अलग से गैराज लेना ही पड़ेगा लगता है मुझे अब तो वेल गाइस अब जाना है हमें हमारी ऑडी से ठीक है ये ऑडी शायद से A4 A4 I'm trying to relate to you. No. You're trying to take me on some nostalgia trip. You're such a cliche. Oh, says the dope. तो गाइस जल्दी से हम ऑडी को निकालते हैं यहां पे नहीं तो ट्रैफिक में अगर हम धीरे-धीरे चलेंगे तो मुझे तो लगता नहीं कि हम पहुंच पाएंगे टाइम पे हम जहां भी जा रहे हैं The hell are you talking about? The real you. That bitter, vindictive old man. You pretend you're being a father, but you hate me, don't you? I don't hate you, Jim. How many times I love you. I'm sorry if I don't express that correctly. गाइस क्या बंदा गाड़ी चला रहा क्या कर रहा था गाइस बिल्कुल नहीं समझ रहा ये बंदे ने आगे आके ड्रिफ्ट मार दी दो बंदे अंदर बैठ के अपनी गाड़ी में बात कर रहे और किसी को ओवरटेक कर रहे तो आप उसके सामने आके ड्रिफ्ट कर दोगे ये क्या बात हुई यार मतलब कुछ भी हो रहा है ऐ भाई तो गाइस हम आ चुके हैं किसके दोस्त के घर आए मुझे ये भी नहीं पता ओके बर्गर शॉर्ट है ये तो यहीं पे आना था हमें Don't be weird. गाइस मुझे दोस्त तो शायद लग रहा है जिमी का कल देखते हैं ये किसका दोस्त है ओ शिट गाइस ये जिमी का दोस्त है इतना बड़ा दोस्त इट्स माय डैड ऑल राइट मिस्टर डिसेंटो या यू द किड सेलिंग जिमी पॉट बाय द पाउंड ah jimmy bro your dad funny man come on do this shit and let's get going oh yeah you got that other thing oh yeah Come on, man. What the fuck, Jimmy? Just hold on a second. Okay. Oh, all right. Later on. Careful with that. Hey, let's bounce. Bounce. We're bouncing now. Is that what we're doing? Jesus fucking Christ. So, guys, कुछ तो झोल लग रहा है मुझे. All righty then. Now what? Can we just get back to the house, please? Okay. So, guys, अब हमें जाना है वापस से माइकल के घर पे. Because normally you're
such a between the white lines friend to the pedestrian. तो आप अगली बार अगर मेरी ऑडी देखोगे तो गाइस मैं पूरी इसको मॉडिफाइड करवा दूंगा, ठीक है. वेल अभी तो थोड़ी सी ना ये अभी क्रैश हो गई थी बहुत ज्यादा, मतलब कि पूरी गाड़ी एक क्रैप बन गई थी, एकदम चपटा पापड़ बन गई थी. Maybe when we get home. Who's the shit guys. तो उसमें तो ड्रिंक मिली हुई थी. Shit guys. Really? वो कुछ झोल था. Well, no, Michael दादा आपने अभी योगा करा था. Totally justified concern. You should see yourself. Okay. Serious. Wow. Guys, मुझे मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करता आप जब ड्रिंक करिए तब गाड़ी से लॉक, बट क्या करें. अब तो गाइस नींद आ गई. That's been using it for decades. Yeah, anesthetized me. You're fucking shit from yourself. Also, I took money from your bank account and I'm moving out. All right, you're too crazy, Dad. Get out! Guys, ये क्या? ये क्या हुआ? Guys, ये क्या हुआ? मेरा mansion, मेरी Rolls Royce, मेरी Audi, मेरी Austin Martin, कहाँ गई? Guys, ये क्या हो रहा है यार? Michael दादा उठो. Okay. गाइस ये बंदर क्या कर रहा है यहाँ पे? वेल गाइस ओ शिट गाइस ये क्या हो रहा है? हैं ये क्या हुआ? ओ गाइस शिट तो यूएफओ है गाइस. गाइस हम यूएफओ के अंदर आ गए हैं. ओ शिट ये उनका बॉस है. शिट गाइस शिट ये क्या हरकत है यार? जिमी एलियंस के साथ मिला हुआ है. ओह शिट गाइस आई डोंट बिलीव कि यार ये क्या हो रहा है. उस झोल में कुछ गड़बड़ है, सच्ची में एलियंस आए हुए हैं. गाइस ये हैंग नशे तो मुझे भी हुए थे एक बार, बाकी मेरे को इतना नहीं मजा आया थे. पर माइकल भाई तो बहुत झूम झूम के मजे ले रहे हैं. अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरे को भी थोड़ी देर बाद ऐसा एकदम ऐसे सितारे दिखने लग जाएंगे. जैसे अगर आपको भी ऐसी फीलिंग हो रही तो आप फटाफट से वीडियो में कमेंट करके बताओ. और अगर आप इसको चाहो तो VR में भी देख सकते हो. गाइस मैं कहाँ आ गया हूँ यार? गाइस मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है. देखना पड़ेगा चड्डी में फ़ोन होगा कि नहीं. मुझे मेरे ड्राइवर को फ़ोन लगाना पड़ेगा गाइस. शिट गाइस शिट. तो गाइस मुझे देखना पड़ेगा कि मैं जा सकता हूँ. मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूरी है, पर ड्राइवर को गाइस मेरे पास फ़ोन भी नहीं कि मैं अपने ड्राइवर को फ़ोन लगा दूँ. गाइस ये सब जिमी का ही किया हुआ है. मुझे जल्दी जाना पड़ेगा. आप बिलीव कर सकते हो कि आपके पास करीबन अच्छे करोड़ों अरबों रुपए हैं. आपका एक मेंशन है, ठीक है. आपका बेटा ही आपको कुछ ड्रिंक में मिलाता है और आपको पिलाते हैं और फेंक देता है. फिर आपके पास एलियंस आते हैं और एलियंस आपका काम तमाम कर देते हैं. मतलब क्या हो रहा है गाइस? क्या है ये गाइस? मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये. हैं एलियंस ने मुझे ले गए. तो गाइस मैं आज जिमी की तो बैंड ही बजा दूंगा. जिमी जिमी बाहर निकल. आई एम होम. एनीवन हियर? जिमी नीचे. जिमी नीचे ऊपर क्या हो रहा है ना? माइकल दादा आपको हैंगओवर तो. माइकल दादा कहाँ है? जिमी ये क्या है? I think you finally lost your mind. Your recent behavior and the company you've been keeping already had me very concerned. Now you've taken to attacking my Fabian, who is a close friend, and then Jimmy said you took drugs while driving him in your car. We've decided to move out for a while. You promised me you'd change, and you haven't changed a bit. I know you say I always act like I'm in a movie. Well, this isn't that. I think I'm gonna speak to a lawyer.
I'm just really confused. Please don't try to contact us and try not to get yourself killed. Amanda. तो गाइस सीन तो हो गया गड़बड़ वाला. अमेंडा छोड़ के चली गई है ये हमारे जिमी के कारण. डिड समबड़ी से योगा. तो गाइस ये वाला मिशन कंप्लीट हो जाता है बड़े ही सैड ट्यून के साथ. अब माइकल दादा बैठे हुए बेचारे गम में, क्या करे, इतनी करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी भी है, ड्राइवर है, नौकर चाकर है, फिर भी बेचारे के पास उनकी वाइफ, उनकी बेटी, उनका बेटा धोखा दे के चले गए सब. तो गाइस ये हो चुका है मिशन कंप्लीट. तो गाइस ये बैठते हैं हमारी रोल्स रॉयस में. तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. गाइस स्टैचू ऑफ एक्सेसी भी नहीं निकल रही पता नहीं क्यों. वेल गाइस इसी के साथ ये आज का मिशन होता है कंप्लीट. मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में. टिल देन बाय. और वीडियो पे लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो. तो गाइस ये वाला तो बहुत गम भरा एपिसोड था जिसमें हमने मुलाकात की एलियन से भी. तो वेल गाइस फाइनल वाला बाय. मुझे भी बहुत बेकार लग रहा है तो फिर भी आपको बेकार नहीं लगेगा आई होप. अगले वीडियो में सब सही हो जाए. चलो फाइनल वाला बाय.